उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलानारी अरेराज मोतिहारी। हम बात कर रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलानारी अरेराज मोतिहारी स्कूल की। इस स्कूल की स्थापना सन 1961 में हुई थी। यहां वर्तमान में 6 शिक्षक कार्यरत हैं तथा 366 विद्यार्थियों का यहां नामांकन है। पहले इस विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कमी थी, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्व एवं जानवर विद्यालय के बरामदे एवं रसोई घर को गंदा कर दिया करते थे। ये एक बहुत ही चिंता का विषय था, जिसके लिए यहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस समस्या से निपटने के लिए काफी प्रयास किए, जिसके बाद विद्यालय शिक्षा समिति और गांव के सामाजिक सरोकारों से जुड़े कुछ लोगों से संपर्क करके तथा उनके सहयोग से स्कूल की बाउंड्री का निर्माण सीसीटीवी कैमरा और गेट लगाया गया, जिससे विद्यालय सुरक्षित और साफ रह सके। उसके बाद धीरे धीरे विद्यालय में वर्ग कक्ष, स्मार्ट क्लास और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण किया गया। स्कूल की बाउंड्री पर महापुरुषों की तस्वीरें बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए वहां के ही एक विद्यार्थी के द्वारा बनाई गई है, जो यहां के ही प्रधानाध्यापक का पुत्र है, जिसने इसी विद्यालय से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी की है। प्रधानाध्यापक के इस सराहनीय कदम से गांव के लोगों से ये भावना समाप्त हो गई है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है और बच्चों को लोग नियमित विद्यालय भेज रहे हैं। साथ ही साथ अन्य सूचनाएं व विविध प्रकार की जानकारी भी जगह जगह पर दीवारों पर उल्लिखित है, जो बच्चों के सामान्य ज्ञान को बढ़ा रहा है। चहक प्रशिक्षण के बाद यहाँ के शिक्षक खेल खेल में बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाते हैं, जिसमें बच्चे आनंद लेकर सीखते हैं। बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया जाता है। बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है और वो बच्चा पढ़ाए गए टॉपिक पर अन्य बच्चों को पढ़ाता है, जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हर शनिवार को बैगलेस डे होता है, जिसमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी से सिखाया जाता है। TLM का भी उपयोग करके बच्चों को ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षक हर एक्टिविटी में समुदाय का सहयोग लेते हैं, चाहे वो बच्चों के ड्रॉपआउट की बात हो या कैसे शिक्षा देने के तरीके में और सुधार किया जा सकता है। यहाँ के प्रधानाध्यापक गांव के बुद्धिजीवी लोगों को अलग अलग विषयों पर पढ़वाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें बच्चे भी रुचि लेते हैं। प्रधानाध्यापक का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, जो एक बहुत ही अच्छा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का उदाहरण है।